मची अंदरूनी हलचल से जूझ रही है। हालांकि आलाकमान इस हलचल को शांत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कलह आगामी चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में पिछले कुछ समय से पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के पेच में फंसती नजर आ रही है। पार्टी ने सीएम फेस को लेकर कार्यकर्ताओं और पंजाब के मतदाताओं के बीच में पोल भी कराया है। पोल समाप्त हो चुका है और अब इंतजार इसके परिणाम का है, और कल यानी 6 फरवरी को पंजाब में कांग्रेस सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। इस बीच ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि सिद्धू के तेवरों को देखते हुए पार्टी बीच का रास्ता निकालते हुए 2.5-2.5 साल के लिए सीएम बना सकती है, लेकिन पार्टी की ओर से इस तरह के किसी भी फार्मूले के विचार की बात को सिरे से खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस की ओर से अब सिद्धू को भी सख्त संकेत दे दिए गए हैं कि उन्हें पार्टी का फैसला मंजूर करना होगा। पार्टी की सख्ती का असर भी सिद्धू पर दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले सीएम फेस को लेकर हाईकमान पर निशाना साधने वाले सिद्धू के तेवर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सीएम फेस किसी को भी बनाया जाए वो राहुल गांधी के आदेश का पालन करेंगे। दरअसल मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच इस मुद्दे पर तनाव की खबरें आई थी। राज्य में 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा, 10 मार्च को मतगणना होगी। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सीएम के तौर पर एक ही नाम की घोषणा करेंगे। दावा किया जा रहा है कि राहुल 6 फरवरी को पंजाब के लुधियाना में डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा पार्टी किसके नाम पर मोहर लगाती है। हालांकि 2 दिन पहले आए सिद्धू के बयान ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि आलाकमान की पसंद चन्नी है।